बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अनम होम रेमेडी में खुश आमदीद। आज बात कर लेते हैं सफ़ेद बालों के मतलब, वो लोग जिनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, वो लोग जिनके जिस्मानी मर्ज़ की वजह से सफ़ेद हुए हैं, तो पहले वो अपने उस मर्ज़ को ठीक करें, ठीक है। बाकी आजकल तो जवानी में भी बहुत ज़्यादा बाल सफ़ेद होना शुरू हो रहे हैं, हो गए हैं, तो आप उसके लिए इस इलाज को कर सकते हो। उसके लिए आपको चाहिए होगा प्याज। आपने एक प्याज लेना है, उसको आप अच्छी तरह काट लीजिए और उसको आप कूट कर उसको मैश करके उसका रस निकाल लीजिए, या जैसे भी आप प्याज का रस निकाल सको। आपने प्याज का रस निकालना है, आपको प्याज का रस चाहिए होगा। एक छोटे से बाउल में आप प्याज का रस निकालिए। और दूसरा जो आपको चीज़ चाहिए होगी वो है लेमन, लीमू का रस। लीमू का रस भी आपके बालों को, आपके ग्रे बालों को, वाइट बालों को ब्लैक बनाएगा। आप एक बाउल प्याज के रस में आधा लीमू का रस निचोड़ दीजिए। तीसरी चीज़ जो आप इसमें मिलाओगे वो है कोलगेट। आपने कोलगेट टूथपेस्ट लेनी है और उसको इसमें मिलाना है। आधा चाय का चम्मच कोलगेट का मिला लीजिए, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लीजिए। आपका पेस्ट तैयार है। अब आपने करना क्या है, आपने इस पेस्ट को अपने बालों पर अच्छी तरह से लगाना है। लगाकर एक घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा, अपने कंप्लीट बालों पर लगाइएगा, एक घंटे तक छोड़ दीजिएगा। और हफ्ते में इस अमल को दो बार दोहराइएगा, आपके सफ़ेद बाल ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके बाल किसी मर्ज़ की वजह से या उम्र ज़्यादा होने की वजह से वाइट हो रहे हैं, तब आपको ये रेमेडी सूट नहीं करेगी, तब ये रेमेडी आपके लिए नहीं है। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।